और भी ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी वेब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपके एसेट्स अकाउंट के अंदर $100 से ऊपर अमाउंट हो चुका है, फिर भी आपको 21 तारीख के बाद 4 से 5 दिन तक वेट करने के बाद आपका जो एसेंस का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो आप किस प्रकार से उसको ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ज्यादा जाने के लिए दोस्तों आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपने एसेंस अकाउंट का पेमेंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता लूं, यदि आपको गूगल एडसेंस की ओर से पेमेंट भेज दिया गया, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस की ओर से एक मेल मिलता है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपको पेमेंट भेज दिया गया है। पर ये मेल आपको 21 या 22 तारीख को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपको पेमेंट भेज दिया गया है और ये पेमेंट आपको 5 दिन के अंदर मिल जाता है। और उसके अंदर साफ लिखा हुआ होता है कि यदि आपको ये पेमेंट 5 दिन के अंदर नहीं मिलता तो आपकी जो बैंक है उससे आपको कांटेक्ट करना है। पर दोस्तों मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको 5 दिन के लिए वेट नहीं करना है, आपको कम से कम 10 दिन के लिए वेट करना है, क्योंकि तो दोस्तों आपको गूगल एडसेंस की ओर से पेमेंट तो भेज दिया होता है, पर वो पेमेंट आपने जा का भी स्वाइप कर दिया है वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि तो दोस्तों उनका जो काम होता है वो काफ़ी धीरे होता है और उन काम के कारण से हमें वो पेमेंट काफ़ी लेट मिल जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको कोई चिंता नहीं करनी है, यदि आपका जो पेमेंट है वो आपको 4 से 5 दिन के लिए नहीं मिलता तो आपको लगभग 10 दिन तक वेट करना है, क्योंकि 10 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आपको आपने जिस भी बैंक का स्वाइप कोड दिया है वहाँ से आपको लगभग मिल जाता है। यदि दोस्तों फिर भी आपको वो पेमेंट नहीं मिलता है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गूगल एडसेंस के अंदर जाना है। एडसेंस अकाउंट के अंदर आके सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप जान सकते हैं कि आपको पेमेंट भेजा है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है और इसके नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे लिखा लास्ट पेमेंट। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे $105 भेज दिए गए हैं। यदि मैं चाहता हूँ इसकी मुझे पूरी जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो 3 डॉट दिखे दे रहे हैं हमें इस पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें मिलता है व्यू पेमेंट, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर चले जाते हैं और यहाँ से हमें इसकी यदि पूरी जानकारी चाहिए, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है व्यू ट्रांजेक्शन, हमें इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि आपको जो भी पेमेंट भेजा है उसकी रिसिप्ट आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नया पेज शो हो जाता है और इसके अंदर आपको अपने पेमेंट की रिसिप्ट शो हो जाती है, आपको उसकी प्रिंट निकालनी है। और प्रिंट निकालने के बाद यदि आपका जो पेमेंट है वो 10 दिन के अंदर भी नहीं आता तो आपने जा का भी स्वाइप कोड दिया है, आपको उस बैंक के अंदर जाना है। उस रिसिप्ट की प्रिंट निकालने के बाद आपको उस बैंक अकाउंट के अंदर जाना है जिसका आपने स्विप कोड दिया था, और उधर जाके दोस्तों आपको बोलना है कि फोरेक्स डिपार्टमेंट कहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों जो बाहर से पैसा आता है उन सब की डिटेल फोरेक्स डिपार्टमेंट के पास होती है, और उधर जाके आपको अपनी रिसिप्ट को बताना है, जिससे कि आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके लिए दोस्तों 2 से 3 दिन लग सकते हैं। ऐसे तो दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो 10 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, यदि फिर भी आपका जो एसेंस का पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता तो आपको सबसे पहले रिसिप्ट लेनी है, और रिसिप्ट लेने के बाद आपको उस बैंक के अंदर जाना है जहाँ का आपने स्वाइप कोड दिया है, और उधर जाके आपको फॉरेक्स डिपार्टमेंट के अंदर मिलना है, और उधर जाके आपको अपनी रिसिप्ट बतानी है जिसके द्वारा आपका जो पेमेंट है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपके बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि दोस्तों फिर भी आपका जो पेमेंट है वो आपको अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, तो इसका मतलब दोस्तों ये हो सकता है कि आपने जो भी अकाउंट नंबर लगाया है उसके अंदर कुछ गलती हो सकती है, या फिर आपने जो भी स्वाइप कोड लगाया है उसके अंदर कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपका पेमेंट नहीं आया है। तो यदि दोस्तों इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप एसेंस से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाती है कि आपने क्या गलती की है या फिर आपका पेमेंट भेजा है या नहीं।
और साथ में दोस्तों आपको मैं बता लूँ, यदि आप बैंक के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको एडसेंस की रिसिप्ट लेनी है और दूसरी बात आपको अपने बैंक की डायरी साथ में लेके जाना है, जिससे कि वो कंफर्म कर सके कि ये अकाउंट आपका ही है और ये अमाउंट आपका ही है, तो आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा ये कारण है कि यदि आपको एसेंस की ओर से आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया, तो इसके लिए आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। आपको 10 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी है। यदि फिर भी आपको आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इसके लिए सबसे पहले आपको रिसिप्ट लेनी है और रिसिप्ट लेने के बाद आपको अपने बैंक के अंदर जाकर आपको उनको बताना है कि मुझे इस नाम से ये पेमेंट मिला है और ये मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ। तो वो दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो 2 से 3 दिन के अंदर आपको अपने बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। यदि फिर भी नहीं होता तो आप डायरेक्ट गूगल एडसेंस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप YouTube के रिगार्डिंग या फिर एडसेंस के रिगार्डिंग और भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं YouTube के रिगार्डिंग या फिर एडसेंस के रिगार्डिंग और भी वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मैं वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू।